तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो आज ईद का दिन आ चुका है, तो सुबह के 8 बज रहे हैं, 9 बजे ईद की नमाज है। तो 9 बजे ईद की नमाज के लिए हमने जाना है ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए। तो मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका है, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ईद का दिन है, काफ़ी फ्रेश मॉर्निंग लग रही है। तो फिलहाल अभी सबके घर जाएंगे, चाय पियेंगे, लेग पीस खाएंगे, सेवियाँ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, तो फिर मिलते हैं उसके बाद। तो फिर सीधा ये नमाज पढ़ने जाएंगे, तो वहाँ पे आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो भाइयों, निकल चुके हैं हम नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ इखलास भाई और शाहरुख भाई भी हैं, तो सब लोग निकल चुके हैं घर से नमाज पढ़ने के लिए। और व्यू चेक करो यार, तो आज मैं बताऊंगा कि ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाती है और कितने लोग होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो जुड़े रहे, मिलते हैं सीधे नमाज। तो गाइस, ईद की नमाज हो चुकी है, सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। बहुत खूबसूरत मंजर है यार ये। और सलमान भाई कैसे, मुसलू भाई और ठीक ठाक? और ये फरमान भाई, राधे भाई को चेक करो, राधे भाई को। और आसिर भाई क्या हाल है? बढ़िया, ठीक है। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक भाई, ठीक ठाक। इस खूबसूरत मंजर है यदि ये चेक करो आप। तो गाइस, ईद की नमाज हमने पढ़ ली है, तो पापा वगैरह बाकी सब कज़न ऊपर गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन हम आज अपने पुराने रास्ते से नीचे अपने घर को जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने पहली लास्ट क्लिप में देखा होगा कि मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे दुआ कर रहे थे, तो वो दुआ कर रहे थे कब्रिस्तान पे। तो जो मुसलमान भाई हैं उनको पता होगा कि ईद की नमाज के बाद सारे जो है, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं या कुछ और हैं, कोई भी अननोन भी है, तो उनकी कब्र पर जाके दुआ करते हैं। तो अब का सीन ये है कि पहले जब हम यहाँ पे बटोत में रहते थे, तो हमारी फैमिली ऊपर रेंट पे रहती थी और बाकी सब वहाँ नीचे जहाँ पे हमारे अब जो हमारा घर बना हुआ है, वहाँ पे सारे चाचूज़ वगैरह का घर था। तो हमारा स्कूल ऊपर था, तो हम ना जब हमें इनके घर जाना था, तो हम इस वाले रूट से पैदल उनके घर नीचे जाते थे। तो ये रास्ता ना जंगल से होके जाता है, बहुत प्यारा रास्ता है। और ये हमारे शाहरुख भाई, पेड़ चेक करो यार, बहुत प्यारा व्यू है। और ये लोग नमाज पढ़ के घर के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से जाते हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थकने वाला हूँ, क्योंकि बड़े दिनों बाद इस रास्ते से आया हूँ। तो अब सीधा घर जाके मैं आपसे मिलता हूँ। नमाज पढ़ के आ रहे थे, लेकिन हमें रास्ते में रिया मिल गई है। और रिया बतख। तो रिया हमें रास्ते में मिल गई थी, तू तो सबको इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने रिया से। तो अगर आपको रिया की शक्ल पसंद आई, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्यों भाई? और कुछ ऐसी लोकेशन पे अभी हम पहुंच गए, बस है थोड़ा सा ही ये क्रॉस करके आगे हमारे घर स्टार्ट है। व्यू और मौसम चेक करो। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। और ये दूल्हे दूल्हे राजा भी आ चुके हैं। दूल्हे राजा, इतने उदास उदास क्यों लग रहे हो आप यार? नहीं लग तो नहीं रहा आपकी शक्ल से। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूं, पहले काला था, देख गोरा भी हो। वो कैसे हो गया आप? हेडला फेशियल नाजरा ने हेडला फेशियल किया यार मेरा। इससे पहले दूसरा फेशियल कराया इसने। कौन सा वाला? बेदीदी के साथ गया था। कौन कराया? पता नहीं यार, बहुत सारे काली मिट्टी का फेशियल। गोरा हो ही नहीं रहा हूं मैं। तो गाइस, आज ईद है, जो जो नमाज अदा कर रहे हैं सारे हमारे दूल्हे के लिए, दुआ मांगो कि वो गोरा हो जाए शादी तक। हो जाएगा। लोगों की दुआओं में बड़ी पावर है। हो जाएगा भाई गोरा, तो टेंशन नहीं ले। हाँ, देखो यहाँ पे, देखो इधर। तो गाइस, फिलहाल प्लान ये बन रहा है कि यहाँ पे एक नया पार्क खुला है, सोच रहा हूँ वहाँ पे चले जाएं हम सारे बच्चा लोग। तो अगर प्लान बनता है तो वहाँ पे आप सबसे मिलेंगे।
ईद काम तो करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं मुंडी। इसमें क्या करते हैं, जो कुर्बानी का मीट होता है ना उसको काट के फिर लोगों में बांट देते हैं। तो फिलहाल चलते हैं ये देते हैं उनको काटने के लिए, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। भाई ये कसाई कहाँ से आ रहा है? भाई ये कसाई जो कहाँ जा रहा है? भाई आज हम जा रहे हैं इसको लेके, बहुत गंदी चीजें मारे गए आज हम। अभी हम जा रहे हैं पार्क में, जो नया हाल ही में बटोल में नया पार्क खुला तो वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। पहले भी मिल चुके हो आप लेकिन फेस नहीं देखा, तो शायद आपको समझ आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम पास कर लेंगे, क्योंकि घर पे सारा काम खत्म हो गया था और मार्केट से भी कुछ ला रहा था, तो सोचा ले चलते हैं साथ में किसी को, टाइम पास भी हो जाएगा और थोड़ा घूम भी लेंगे, घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे। तो चलो कोई बात नहीं, पहले हम मार्केट जाएंगे सामान ले लेंगे, फिर उसके बाद पार्क जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा चिल करेंगे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, तो उसके बाद आके फिर घर आएंगे। तो उसके बाद देख सकते हो आप, हम पहुँच चुके हैं पार्क में। तो ये नया पार्क खुला है वंडर हाइट्स वाइल्ड सिटी फॉरेस्ट करके, बहुत अच्छा पार्क खुला ऐसे सुनने में आया। तो चलो चेक करते हैं कैसा पार्क है। और हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ा हुआ है, उससे भी मिलाते हैं, तो आ जाओ। और वो गेस्ट इतना ज़्यादा तेज़ है वो ऊपर पहुंच भी गए, अभी आप देख सकते हो। तो दोस्तों थोड़ा सा ऊपर आ गए हम, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा पार्क बनाया है यार। ये देखो छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया है, लेकिन ये काफ़ी गंदा था, इसमें हम नहा नहीं सकते। और शाहरुख भाई नीचे फोकस करना, आप नीचे भी देख सकते हो छोटा सा ब्रिज बनाया है, अब आगे पता नहीं कहाँ जाता है वो, मुझे लगता है ऊपर के लिए कनेक्ट होता होगा। तो छोटे छोटे बोर्ड्स लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये कौन सी जगह है, क्या बोलते हैं, तो हर एक कर्व को नाम दिया हुआ है उन्होंने। तो पेड़ चेक करो, पेड़ बहुत अच्छे हैं यार। तो मुझे लगता है यहाँ पे ना एक सिनेमैटिक शॉट्स होने चाहिए मेरे साथ और मिश्री गर्ल्स के साथ। तो अगर शॉर्ट्स पसंद आएंगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। तो आ जाओ मिलते सीधे सिनेमैटिक शॉट्स में। तो गाइज पार्क में बहुत सारे फोटोज वीडियो सिनेमैटिक शॉट्स, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना शेयर कर देना। तो गाइज पार्क में हमने फोटोज वीडियो सब कुछ ले लिए, काफी ज्यादा थक गए और बहुत मजा आया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सुकून था, पीस था। और अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं घर को। पापा भी कॉल कर रहे हैं, तो कुछ काम है वहाँ पे, कुर्बानी का जो मीट होता है वो बांटना होता है, पूरे मोहल्ले में हर एक घर पे जाना पड़ता है देने के लिए। ये भी एक रस्म है, काइंड ऑफ रस्म समझ लो आप, है ना, रस्म ही बोलेंगे। तो चलो घर चलते हैं, फिर घर पे जाके एक और प्लान है। पापा बोल रहे हैं कि बाकी भी जो है सिस्टर्स वगैरह कजन्स वगैरह उन सबको लेके कहीं और भी जाना है, तो अगर वहाँ का सीन भी बता दूंगा। तो फिलहाल घर चलते हैं, आगे का सीन वहाँ पे देखें। तो गाइस ये हमारा बटोत है, पूरी सिटी है और यहाँ पे हम नीचे रहते हैं। तो मेरा मानना ये है यार, अगर बटोत को डेवलप किया जाए तो शिमला मनाली से अच्छी जगह ये बनती है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी है जो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रही है। तो आपके क्या व्यूज़ है, अगर आपको लगता है कि उस उन सब चीज़ों से ये अच्छी जगह है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे आपको पता है कि हम ना एक आर्मी एरिया के अंडर रहते हैं, तो शाहरुख भाई मैं बताना चाहूँगा कि ज़रा फोकस करो यहाँ पे। तो आर्मी एरिया की एक खासियत होती है ना, तो जो यहाँ के रोड्स वगैरह होते हैं काफ़ी वेल मेंटेन्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन सिटीज़ और मेन रोड से आप कंपेयर करो तो यहाँ के रोड्स काफ़ी बेटर होते हैं ड्यू टू सिर्फ आर्मी की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पंक्चुअल, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रख सकते हैं चीज़ें। और यहाँ पर ना हमें सिक्योरिटी का भी इतना ज़्यादा मसला नहीं रहता है, क्योंकि आर्मी की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हमें मिलती है और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। और मेरे को लगता है ये चीज़ होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सेफ आपको रहना है इस ज़माने में, इस टाइम में, जैसे कि आपको पता है इस ज़माने में क्राइम रेट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बस इतना बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो घर है वो बहुत अच्छी जगह पे है और बहुत सिक्योरिटी भरी हुई जगह है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी मेंटेन जगह की हुई है, लाइट्स वगैरह हर जगह लगी हुई है।
और यहाँ पे मेन बात एक और है कि अगर अननोन गाड़ी कोई भी अंदर आती है ना, तो सबसे पहले उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, उसका आईडी प्रूफ या कुछ भी लेके तभी जाके पूरा कंफर्म करके फिर उसको अंदर आने देते हैं। ऐसा कोई भी अननोन बंदा यहाँ पे अंदर नहीं आ सकता जब तक ना कोई उसका रिलेटिव या अपना घर वगैरह हो, ऐसे तो कोई चांस नहीं बनता उसको अंदर आने के लिए। तो फिलहाल का सीन अब ये रहता है कि अभी हम अपने मोहल्ले कॉलोनी जो भी बोल सकते हो उसके एंटर कर चुके हैं, तो अब सीधा घर जाएंगे और थोड़ा बहुत काम बचा है वो पूरा करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चाचू के घर पे अभी दावत के लिए बुलाया, उन्होंने बिरयानी बनाई है, तो उन्होंने मुझे और मिस्ट्री गर्ल को बुलाया है खाने पे, तो वहाँ पे चलते हैं, खाते हैं बिरयानी, देखते हैं कैसे बनती है और आपको भी बताऊँगा। बिरयानी खा ली है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बिरयानी थी। तो कलाकार ये जो दुल्हन है इसकी शादी है, तोसी भाई और इसकी शादी साथ में। प्लान बन चुका है, हम जा रहे हैं नहाने के लिए, सारे बच्चा पार्टी यहाँ पे नीचे, जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे एक नहाने के लिए जगह है वहाँ पे सारे जा रहे हैं नहाने के लिए, तो पहुँच के मैं आपसे। तो गाइज ये देखो ईसा भाई मिस्ट्री गर्ल के पीछे पड़ चुके हैं कि फेस दिखाने के लिए। तो गाइज हम निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे सारे पीछे चले गए, तो हम वहाँ पे पहुँच के आपसे मिलते हैं। निकल चुके हैं हम रूट पे, तो खाई चेक करो आप, खाई चेक करो, खाई चेक करो। और ये रोड है हमारा बिल्कुल सिंगल रोड है और गाड़ी पूरी भरी हुई है, वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ आपको, लोड हुई है गाड़ी पूरी है। जैसे आप चेक कर सकते हो हम लोकेशन में पहुंच सकते हैं, क्या वर्क है ये जगह यहाँ पे इतना दूर आना कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, तो यहाँ पे हमने नहाना और बाकी जितने लोग है गाड़ी में थे, अब दिखा दो सबको कि कितने लोग गाड़ी में थे। ये सारे लोग गाड़ी में थे और बारिश का भी मौसम है लेकिन फिर भी हम नहाएंगे, तो चलो आ जाओ। को फुल जोश चढ़ा हुआ है और ये देखो ये हमारी लोकेशन है, पहुंच चुके हम लोकेशन पे, यहाँ पे हम नहाने वाले हैं और बाकी लोग अभी पीछे से आने वाले हैं, तो बच्चा पार्टी सब मेरे साथ है। भीगे हो, मजा आ रहा है। यस, मन तो कर रहा है इधर से। और ये एक भाई यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, तो इस पानी में फिशेज भी है फिशे। चलो फिर। और वहाँ पे हमारी गाड़ी लगी है, वहाँ पे सब लोग है, तो नहाते हैं फिर निकलते। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी और इतना दिन भी था, सारे फ्री थे, आप देख सकते हो सारे भाभी, सोनू भाभी, सब कजन वगैरह सब यहाँ पे नहाने के लिए आए। मिस्ट्री गर्ल भी आई है, मिस्ट्री गर्ल भी आई है, सामने ही खड़ी है, कौन हम बता नहीं सकते, मगर यहाँ पे सामने खड़ी है, ये देखिए ये मिस्ट्री गर्ल है, देखो मिस्ट्री गर्ल का मुंह दिखा दिखा दिखा। तो गाइस नहा लिया है, बच्चों ने काफी ज्यादा एंजॉय कर लिया, तो अब यहाँ से निकल के घर जाते हैं, काम पूरे करते हैं, लेकिन चलो पानी कम था लेकिन एंजॉय तो किया। सारे कजन से देखो चेक करो, व्यू बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा व्यू है। तो एक बात तो मैंने बोली नहीं, आते आते ऑफ रोड भी हो गया हमारा क्योंकि इतना ज़्यादा ख़राब रोड था और इतने ज़्यादा लोग थे गाड़ी में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मज़ा आया। लेकिन अब दोबारा घर जाएंगे, देखते हैं फिर आगे का सीन क्या रहता है। और ये जो धूप पड़ रही है ना हाफ माउंटेन्स पे, बहुत अच्छी लग रही है, बारिश भी हो रही है और धूप भी, सही बात है। तो गाइस चेक कर रहे हो रोड, ईद के साथ साथ ऑफ रोडिंग भी होगी। चेक करो ये जो स्ट्रेच है ना, सबसे डेंजरस स्ट्रेच है, यहाँ से गाड़ी भी नहीं चलती है, आप देख सकते हो काफी ज्यादा डेंजरस है, और आगे जाके ना सीधा डैम का व्यू आएगा। ये चेक करो ढलान, चेक करो यार, चेक करो, कुछ ऐसी लोकेशन पे हम पहुंच गए, जाते टाइम तो मैं दिखा नहीं पाया लेकिन आते टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है जेपी प्रोजेक्ट, जेएनके का सबसे बड़ा डैम, व्यू चेक करो यार, और ये पानी देखो कितना ज्यादा इकट्ठा हुआ है, और ये पानी ना यहाँ से लेके डोडा तक ऐसा ही है, स्टिल वाटर है। पानी चेक करो यार कितने ज्यादा प्रेशर से निकल रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस पहाड़ के अंदर ना एक टनल जाता है और उसके अंदर बिल्डिंग्स हैं और इसी पहाड़ के अंदर टर्बाइन्स भी है, तो खुद ही सोच सकते हो अब कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और अभी ना बहुत रेयर चांस होते हैं कि चारों के चारों गेट डैम के खुले होते हैं, लेकिन आज
पूरे चारों के चारों गेट खुले हैं और पानी देख सकते हो आप कितना तेज निकल रहा है। ये देखो, वाओ यार, फ्लो चेक करो आप। इस एरिया में जब कोरोना के टाइम पे 70% कोरोना के पेशेंट जो यहाँ पे रखे थे क्वारंटीन के लिए, तो तब से यहाँ की हालत देखो क्या कर दी है लोगों ने। तो गाइस घर पहुँच गए थे हम, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और कपड़े भी गीले हो गए थे तो चेंज कर लिए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी तो यहाँ का व्लॉग आज हम एंड करते हैं। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।